Please subscribe my channel Reet Designs and press bell icon to see my latest videos. Hello friends, welcome back. Today I am making beautiful front neck with pearls. Let's start. ये मैंने canvas ली है. मैं ये boat neck पे design करूँगी. मैंने ये आपको अपनी last video में भी बताया था. ये 4.5 inches मैं broad रख रही हूँ और 3 inches deep रख रही हूँ. ये boat neck है. ये ऐसे शेप में जाएगा. ये हो गया हमारा पहला नेक. ये 4.5 inches का मैं ले रही हूँ. ये ऐसे हम अपने नेक को मार्क करते करते जाएंगे. ये हो गया हमारा पहला नेक ड्रॉ. ये 5 inches ब्रॉड आया है. अब मैं 1-1 inches का गैप दूंगी जिसमें हमारे पर्ल्स आएंगे. सिक्स एंड हाफ इंचेस ये आ गया हमारा गैप के साथ. अब ये जो हमारा नीचे का मेन नेक है ये वो है. ये भी मैं 4.5 inches का कैनवास लूंगी इसमें भी. लास्ट टाइम मैंने इसको लूप के साथ रेडी किया था. लूप और फ्लावर्स के साथ, फैब्रिक फ्लावर्स के साथ. अब मैं इसको पर्ल्स के साथ रेडी कर रही हूँ. ये हो गया हमारा पहला नेक. हमारा गैप है. अब ये हमारा मेन नेक है. ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा कुछ. अब मैं पहले इसको शॉर्ट वाले नेक को करूंगी पेस्टिंग. ये मैं पेस्टिंग के साथ इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका लूंगी ऐसे ही. मैंने एक एक पैर का गैप लेके इसको स्टिच कर लेना है पहले. ये एक पैच की तरह हम इसको रेडी करेंगे. ये मैंने एक एक पैर का गैप दिया इसमें. अब मैं इसको कट कर लूंगी. अब मैंने इसको ऐसे टर्न करके स्टिच कर लेना है. ये मैंने इसको ऐसे स्टिच कर लिया है. अब मैं ये लाइनिंग के ऊपर रख के इसको ऐसे स्टिच कर लूंगी दोबारा से. ये मैं लाइनिंग इसकी इसलिए लगा रही हूँ ताकि बैक से भी इसकी फिनिशिंग आए. जैसे हम अपनी शर्ट पे गला अटैच करते हैं मैंने लाइनिंग पे भी वैसे ही अटैच किया है. अब मैं इसको कट्स लगा के मैं लाइनिंग को भी ऐसे टर्न कर दूंगी. ये मैंने इसको विद लाइनिंग के साथ ऐसे रेडी किया है.
अब ये जो हमारा मेन नेक है ये मैं शर्ट के ऊपर रख के इसको ऐसे स्टिच कर लूँगी, जैसे हम अपना नॉर्मल नेक करते हैं रेडी वैसे ही करना है ये भी। ये रफ स्टिच है। अब ये मैंने इसके साथ साथ स्टिच कर लेना इसको। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर दूंगी। ये ऐसे आ जाएगा हमारा नेक। अब मैं इसको पट्टी के साथ यहाँ से यहाँ अटैच करूँगी ऐसे। ये मैं इस पर पट्टी लगा रही हूँ, शोल्डर के नीचे मैंने इसको ऐसे पट्टी लगा ली है। ये आधे इंच की पट्टी लगानी है मैंने, इसको मैंने आधा इंच का गैप देना है बिकॉज इसमें मैंने पर्ल्स लगाने हैं। मैंने जो सेंटर में 2 पर्ल्स लगाने हैं और साथ साथ एक सिंगल सिंगल पर्ल लगाना है। ये शोल्डर के साथ ऐसे अटैच होंगे। अब मैं ऐसे ही अपना दूसरा भी शोल्डर अटैच कर लूंगी। ये हो गए हमारे दोनों शोल्डर ऐसे। अब इसमें पर्ल्स आ जाएंगे सिंगल सिंगल। ये हो गया हमारा गर्ल नेक रेडी। मैं इसमें पर्ल्स लगा रही हूँ। ऐसे ही हमने अपने सारे पर्ल्स लगा लेने हैं। मैं सेंटर में 2-2 पर्ल्स लगा रही हूँ। ये ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे हमारे। ये हो गया हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीट डिजाइन। थैंक यू।